गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक फिक्चर्स। कल हमने पढ़ाया था आपको टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट क्या होती है, और टूर्नामेंट्स कितने टाइप के होते हैं। टूर्नामेंट्स थ्री टाइप के होते हैं, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन। नॉकआउट टूर्नामेंट नॉकआउट होते हैं। सिंगल लीग टूर्नामेंट्स टू टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल। और नेक्स्ट था हमारा, लास्ट था कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट फोर टाइप के होते हैं। नंबर वन नॉकआउट कम नॉकआउट, नंबर टू नॉकआउट कम लीग, नंबर थर्ड लीग कम नॉकआउट, नंबर फोर लीग कम लीग। ये हमारा यस्टरडे टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। टुडे माय टॉपिक फिक्चर। फिक्चर इट इज ए शेड्यूल ऑफ द प्लेइंग ऑफ द मैच अमंग द टीम ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि जो हम एक शेड्यूल बनाते हैं कोई भी एक किसी तरह का, फॉर एग्जांपल हम किसी भी अपने एजुकेशन का ये शेड्यूल बना रहे हैं कि हमें ये टाइम, इस टाइम हमें ये करना है, इस टाइम हमें ये वाले सब्जेक्ट की एजुकेशन स्टडी करनी है, इस टाइम हमें ये वाले सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। ये एक शेड्यूल है। शेड्यूल किसका बना रहे हैं हम यहाँ पे, टूर्नामेंट्स का। कौन से टूर्नामेंट्स का बना रहे हैं, नॉकआउट बेस का। हमारे फिक्चर टू टाइप के फिक्चर होते हैं। टाइप ऑफ फिक्चर्स, नंबर वन नॉकआउट, नंबर टू लीग, टू टाइप के हमारे फिक्चर होते हैं। नंबर वन नॉकआउट नॉकआउट टूर्नामेंट्स, नंबर टू लीग। लीग फिक्चर नॉकआउट टाइप के होते हैं। फिर आते हैं हमारा लीग टूर्नामेंट, लीग फिक्चर। लीग फिक्चर थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेयर्स केयर्स, सेकेंड है हमारा साइकिलिंग, थर्ड है ट्रबुलर, टाइप ऑफ फिक्चर्स टू टाइप के होते हैं। नंबर वन नॉकआउट, नंबर टू लीग, लीग फिक्चर थ्री टाइप के होते हैं। नंबर वन स्टेयर्स केस, नंबर टू साइकिलिंग, नंबर थर्ड ट्रबुलर। अब हम आज आपको कराएंगे नॉकआउट फिक्चर्स। नॉकआउट फिक्चर, नॉकआउट फिक्चर देयर आर टीम प्ले द टूर्नामेंट, विन द मैन विन द मैच, कंटिन्यू द टूर्नामेंट, लॉस द मैच, आउट ऑफ टूर्नामेंट। ये नॉकआउट टूर्नामेंट की डेफिनेशन है। यानी कि कंटिन्यू अगर विन करते रहेंगे तो टूर्नामेंट में रहेंगे, और लॉस हो जाएंगे मैच तो फिर टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। इसमें आती है सबसे पहले बाई, सीडिंग। सीडिंग, सीडिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ सीडिंग। इट इज ए वे ऑफ सपोर्टिंग द टीम एंड प्ले आर फिटिंग देन द फिक्चर अकॉर्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द टीम एंड प्ले प्रोवाइड द टूर्नामेंट ऑफ द लास्ट ईयर। यानी कि जो लास्ट ईयर की हमारी परफॉर्मेंस होती है और जो सीडिंग हम प्रोवाइड करते हैं टूर्नामेंट में, वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, हम जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम फिक्चर तैयार करते हैं कि बेस्ट टीम हमारी टॉप पे और लोअर पे रहेगी, बीच में हमारी जो टीमें हैं वो सभी टीमें रहेंगी। एक फर्स्ट ग्रुप में रहेगी तो दूसरी सेकेंड ग्रुप में रहेगी, उसको बोला जाता है सीडिंग। एक उनका फिक्चर तैयार करना कि किस प्रकार से हम फिक्चर तैयार कर रहे हैं। जैसे कि दे आर टीम ऑफ प्लेस ऑफ थर्ड ऑर्डर इंटरेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट सो दैट टू टॉप टीम मे बी नॉट फाइट ऑफ द फर्स्ट राउंड। यानी कि सीडिंग के अंदर
जो बेस्ट बेस्ट टीम होती है वो फर्स्ट राउंड में एकदम हम प्ले नहीं करा सकते, जो ग्रुप डिवाइड करते हैं, ग्रुप में दोनों टीमों को अलग अलग रखा जाता है। दे कैन विच गेट ऑफ द फर्स्ट प्लेस ऑफ द फर्स्ट सीडिंग, यानी कि जो लास्ट ईयर की हमारी टॉप टीम होती है वो टॉप पर रहती है, विल बी प्लेस ऑफ द बॉटम ऑफ द लोअर हाफ या एंड द सेकेंड टीम ऑफ द टॉप ऑफ द अपर हाफ विल बी प्लेस ऑफ द टॉप ऑफ लोअर हाफ ऑफ फोर्थ टीम विल बी प्लेस ऑफ द लोअर ऑफ द लोअर हाफ। यानी कि जो हमारी चार टीमें होती हैं लास्ट ईयर की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे जो टीमें आती है, हमने जैसे ग्रुप डिवाइड कर दिए, ग्रुप डिवाइड करने के बाद एक टीम टॉप पे रहेगी, एक बॉटम पे रहेगी, एक टॉप पे रहेगी, एक बॉटम पे रहेगी। जैसे लास्ट ईयर की हमारी विनर टीम थी वह टॉप के टॉप पे रहेगी, फर्स्ट ग्रुप के नंबर वन पे रहेगी। सेकेंड टीम जो हमारी रनर अप टीम है वो लास्ट ग्रुप यानी कि सेकेंड ग्रुप के टॉप पे रहेगी। थर्ड जो हमारे तीसरे नंबर की टीम है वो फर्स्ट ग्रुप के थर्ड डाउन बॉटम पे रहेगी, और फोर्थ टीम है वो हमारे सेकेंड ग्रुप के बॉटम पे रहेगी। इसके बाद आती है बाई। बाई मीनिंग ऑफ बाई, बाई क्या होती है? बाई होती है कि विदाउट प्ले मैच इन गो टू सेकेंड राउंड, यानी कि जिसमें बिना प्ले के बिना खेले हुए वो सेकेंड राउंड में चले जाती है। मीनिंग ऑफ द बाई इज दे प्रोवाइड गिवन देन टू द टीम नॉट प्ले द मैच इन फर्स्ट राउंड, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो टीम नहीं खेलती है वो सीधे डायरेक्ट सेकेंड राउंड में चली जाती है, उसको बोलते हैं बाई। बाई द नंबर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द कनेक्ट द पर द नंबर ऑफ द टीम पार्टिसिपेट ऑफ द टूर्नामेंट द मोर नंबर बिगनिंग ऑफ द पावर ऑफ टू, यानी कि जो बाई दी जाती है टू की पावर टू बिगनिंग स्टार्ट होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई टू, जो बिगन टू की पावर टू कितना आ गया हमारा फोर आ गया, फोर के बाद मल्टीप्लाई टू, यहां पे कितना है हमारा एट, उसके बाद मल्टीप्लाई टू 16, उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लाई टू 32, मल्टीप्लाई टू 64, यानी कि जो हमारा पावर है बाई देने का मेथड है वो हमारा हो गया 2, 4, 8, 16, 32, आगे मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे 64। यानी कि जो टीमें होती है हमारे पास राउंड फिगर आ गया है, ये राउंड फिगर बोलते हैं, जैसे आपके पास नोट होते हैं, नोट में राउंड फिगर के होते हैं, 10 का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, वो राउंड फिगर में है। यहाँ पर हमारे पास 22 आ गई हैं राउंड फिगर में, राउंड फिगर 2, 4, 8, 16, 32, 64। जैसे टीम हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स नंबर ऑफ टीम्स हमारा 19 दे दिया है, 19 से नेक्स्ट डिजिट किसमें जो फिक्स बाई है ये हमारी आ गई है नंबर ऑफ फिक्स बाई ये हमारी आएगी नंबर ऑफ फिक्स बाई के अकॉर्डिंग हमें अपना जो टीम आई है यहाँ पे हमें टीम दी गई है नंबर ऑफ टीम्स 19 टीमों के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो बाई लेनी है वो किससे लेनी है 19 से नेक्स्ट डिजिट लेनी है 19 से नेक्स्ट डिजिट हमारी आ रही 32 यानी कि जो हमारी फिक्स बाई है वो 32 आ जाएगी 32 माइनस 19 तो हमारे कितनी बाई है 13 बाई हमें उस टूर्नामेंट में देनी है जिसमें हमारी 19 टीमें होंगी। यहाँ पर अगर 17 टीमें रह जाती है 17 तो बाई भी हमारी बढ़ जाएंगी 15। ये नॉकआउट बेस पे है, नॉकआउट बेस का हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारा फिक्चर कि फिक्चर किस प्रकार से ड्रॉ करना है, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है।
अब हम देखते हैं फिक्चर पे कि फिक्चर किस तरह से ड्रॉ होगा। क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, ड्रॉ द फिक्चर 19 टीम ऑन नॉकआउट बेस। हम 19 टीम बनाते हैं, क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ द फिक्चर 19 teams on knockout yes। ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, ये कभी भी बोर्ड एग्जाम आते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता ही है, हर एक साल पेपर में आया है। आप नोट्स उठा के देख लेना, लास्ट ईयर के 10 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सभी में ये क्वेश्चन होगा, या तो 3 मार्क्स का होगा या फिर 5 मार्क्स का होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन फिजिकल एजुकेशन। हम ड्रॉ जब करते हैं फिगर को, जब भी हम क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, बोर्ड में करें या फिर अपना होम बोर्ड में करें, तो हमारे 2 पार्ट्स आपके नोटबुक के होते हैं, लेफ्ट और राइट। जो ड्रॉ करना है वो हमेशा लेफ्ट साइड के पेज पे करना है। ये आपका पार्ट हो गए हैं, ओके, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन हमेशा राइट साइड में करनी है, ड्रॉ लेफ्ट साइड में करना है, ठीक है। 19 टीम है, 19 टीमों के लिए हमने पहले क्या करना है, 19 का हाफ करेंगे, हाफ हमारे से होगा जो नॉर्मल हाफ है 19 का, 19 का कितना हाफ हो गया है 9.5 का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हाफ करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम प्लस 1/2। नंबर ऑफ टीम प्लस 1/2, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ टीम कितने हैं हमारे 19 प्लस 1/2, ये कितना आ गया हमारा 22 10। अपर हाफ में कितनी आ गई हमारी टीम 10। लोअर हाफ निकालते हैं, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स -1/2 19 -1/2 18 2 9। अपर हाफ में कितनी आ गई हमारी 10 और लोअर हाफ में आ गई हमारी 9, ठीक है। अब हमारा पिक्चर ड्रॉ करते हैं हम, इधर लेफ्ट साइड में काउंटिंग 1 to 19, ठीक है। या तो हम अल्फाबेट से कर सकते हैं या फिर काउंटिंग नंबर से कर सकते हैं, चॉइस आपकी है किस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नंबर ऑफ
टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। हाफ कितने पे हुआ हमारा? 10 पे। ये ग्रुप नंबर वन, ग्रुप ए, ग्रुप बी, दो ग्रुप बन गए, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ग्रुप ए है, और ये ग्रुप बी, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो रब कर देते हैं, नेक्स्ट। हमारे हाफ निकल गए 10 और 9, इसके बाद आती है कि बाई कैसे देनी है हमें। अब 9 हो गए हैं, इन दोनों का मैच मिलाएंगे, ये पेयर हो गया 1 2 3 4 5, पांच में से कितने पेयर निकले आ गए? 5 निकले, हमें बाई भी देनी पड़ेगी इक्वल करने के लिए। बाई का मतलब तो फर्स्ट राउंड में ही देना होता है, नंबर ऑफ राउंड निकालने पड़ेंगे, कितने राउंड हमें निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड नेक्स्ट है हमारा, नंबर ऑफ राउंड, और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फिक्स बाई, नंबर ऑफ फिक्स बाई, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड 1 × 2 = 2, जो मल्टीप्लाई करके आएगा पावर टू चल जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई 2 होते चल जाएगी, 2 × 4 2 × 4 × 2 8 8 × 2 16, ये हमें मल्टीप्लाई आधे करनी है। ये जो हमारे डिजिट है 19 टीम्स है, इससे अगले डिजिट तक करनी है, इसे लोअर में नहीं लेकर आना है, हाई में लेके जाना है। लोअर मींस यहाँ पर 16 आ गया है, 16 में 16 कम है 19 टीमों से अधिक वाली डिजिट हमें लेनी है, ठीक है। 16 × 2 = 32, ठीक है, 32 19 से और हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये आता है 32। हमारे राउंड कितने हो गए हैं? राउंड नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितने राउंड हो गए हमारे? 5, हमें 5 कॉलम बना लेने हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 कॉलम बन गए, ठीक है। ये हमारे राइट साइड में चलती रहेगी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ड्रॉ हमारा लेफ्ट साइड में चलता रहेगा। बाई फिक्स बाई हमारी निकल के आ गई है, फिक्स बाई हमारी कितनी आई है? नंबर ऑफ फिक्स बाई 32, कितनी बाई निकल गई? 32, ठीक है। अब हमें बाई देनी है, बाई देने का फॉर्मूला है कि बाई कैसे देनी है। बाई देने का फॉर्मूला है, हमने पहले किया था प्लस माइनस, टीम को जब डिवाइड करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में, वहां पे हम करते हैं प्लस और माइनस, और बाई देने के लिए फॉर्मूला है माइनस प्लस, यानी कि एक बार प्लस माइनस, दूसरी बार माइनस प्लस, सिंपल सा है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं फिक्स बाई को देने का, नंबर ऑफ बाई कितनी देनी है हमें पता नहीं, कितनी देनी है कैसे देनी है, ठीक है। बाई निकालते हैं, नंबर ऑफ फिक्स बाई माइनस टीम्स 32, फिक्स बाई कितनी आई थी? 32, टीम्स कितनी है हमारे पास? 19 इक्वल 12, 13, कितनी बाई आई हमारे पास? 13, ठीक है। अब 13 बाई हमारे पास आती है, 13 बाई को हमें किस प्रकार से देना है? 13 का हाफ करेंगे, यानी कि आधी ऊपर देंगे आधे नीचे देंगे, तो 6.5 आ जाएगा,
6.5 को हम आगे ऊपर तो दे सकते हैं ना नीचे दे सकते हैं, पॉइंट वाली संख्या हम लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ, अपर हाफ में बाय निकालते हैं, नंबर ऑफ बाय जो नंबर ऑफ बाय आए हैं नंबर ऑफ बाय माइनस वन। हमने ये बताया था जब टीमें निकालते हैं टीमों का हाफ करते हैं प्लस माइनस, और जब बाई का मार्क करते हैं तो माइनस और प्लस। टू 13 माइनस वन टू 12 टू 6, तो कितनी बाई आ गई हमारे अपर हाफ में 6। अपर हाफ में कितनी बाई लेनी है हमें 6। लोअर हाफ निकालते हैं नंबर नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ नंबर ऑफ बाई प्लस वन अपॉन टू 13 प्लस वन टू 14 टू 7। लोअर हाफ में हमारे कितने आ गए 7। ये हमारी टोटल कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमें अपना टोटल है वो ग्राफ तैयार करेंगे, यानी कि फिक्चर बनाएंगे। अब आते हैं फिक्चर पर। अपर हाफ में कितनी बाई थी हमारी 6, लोअर हाफ में 7। अब बाई देने का फॉर्मूला क्या है, बाई कैसे देनी है? या तो हम एक हाफ को कंप्लीट करते हैं या फिर दोनों हाफ को एक साथ चला सकते हैं। बाई देने का फॉर्मूला है कि पहली बाई टॉप लोअर पे, पहली बाई बॉट लोअर पे एकदम डाउन, और सेकंड बाई टॉप पर, थर्ड बाई लोअर के टॉप पर, फोर्थ बाई टॉप के लोअर पर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक ग्रुप को कंप्लीट करते हैं। एक ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए पहली बाई डाउन, दूसरी बाई अप, पहली बाई नीचे दूसरी बाई ऊपर, ठीक है। अब करते हैं फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर ए, 6 बाई देनी है। बाई हमेशा फर्स्ट राउंड में ही दी जाती है, सेकंड राउंड में कोई बाई नहीं दी जाती है। फर्स्ट राउंड विदाउट प्ले गो टू सेकंड राउंड, बाई की मीनिंग आपको बताया था कि विदाउट प्ले जो टीम खेलती है बाई दी जाती है, वो विदाउट प्ले सेकंड राउंड में सीधी पहुंच जाती है। हम यहाँ पर नंबर से कर रहे हैं या अल्फाबेट वर्ड से भी कर सकते हैं। सेकेंड बाई ऊपर देनी है, थर्ड बाई नीचे देनी है, फोर्थ बाई ऊपर, क्योंकि हम सिंपल वाला तरीका यूज कर रहे हैं, तो फिफ्थ बाई नीचे 6 बाई ऊपर। हमें 6 बाई देनी थी, 6 बाई हमने दे दी। फिर हम पेयर बना लेते हैं जो टीमें हमारे पास बचती हैं। ये वाली विदाउट प्ले नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुकी है टीमें, इन्होंने गेम नहीं खेला, कोई कुछ नहीं किया, सीधा नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया। टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, टीम नंबर 8, टीम नंबर 9, टीम नंबर 10, ये विदाउट प्ले आगे पहुंच गई है। अब पेयर बनता है हमारा 4 और 5, 6 और 7। जब दो टीमें खेलती हैं, दो नॉकआउट का मतलब है कि जो टीमें टूर्नामेंट में वो टीमें रहेंगी जो विन होती चल जाएंगी, जो मैच लूज कर गई हार गई वो टीम टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगी। यानी कि दो टीमें खेलते हैं, दो में से एक जीतती है एक हारती है, हारने वाली टीम बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम टूर्नामेंट के अंदर कंटिन्यू करती रहती है, ठीक है। 4 और 5 में से ये चॉइस होती है किसी भी टीम को जिताने की। जब टीम हमारे पर्टिकुलर नेम की हो जाती है तो नेम वाली टीम आगे जाती है, विदाउट नेम की होती है तो हम विदाउट नेम के अपने चॉइस से कर सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 में से 3 और 5 में से 5 टीम आ गई है, 6 और 7 में से 6 आ गई है। नेक्स्ट राउंड में फिर हम अपना इसका ग्रुप बनाते हैं, पेयर बनाते चले जाते हैं। 1 और 2 में से 2, 3 5 में से 3, 6 8 में से 8, 9 10 में से 10। नेक्स्ट राउंड फिर पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे 10 3, फिर पेयर बनाएंगे 10, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में से 10 नंबर की टीम हमारे राउंड नंबर 5 में पहुंच चुकी है। यहाँ पर राउंड नंबर 5 में फाइनल होना है हमारा, ठीक है। अब आते हैं लोअर पोर्शन पे। लोअर पोर्शन पे हमें कितने बाई देनी है, 7 देनी है। 7 फर्स्ट बाई नीचे, सेकेंड बाई ऊपर, थर्ड बाई नीचे, फोर्थ
फोर्थ भाई ऊपर, फिफ्थ भाई नीचे, सिक्स्थ भाई ऊपर, सेवन भाई नीचे, सेवन देनी है और ठीक है। फिर हमारे जो टीमें बच जाती है, पहले हम टीमों को आगे निकाल लेते हैं, नेक्स्ट राउंड में बजा देते हैं, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन, ठीक है। जो मैच होना है वो होना है 14 और 15 का, 14 और 15 में से एक टीम आगे चली गई है हमारी 14। फिर पेयर बनाते हैं, यहां पर एक टीम आएगी आगे 11 13 17 18, फिर पेयर बनाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, एक टीम आएगी 11 20, फिर पेयर बनाएंगे 17, ठीक है। ये हमारे क्वार्टर फाइनल हो गए, सेमीफाइनल, और फाइनल में हमारे पास टीम आई है निकल के 10 नंबर और 17 नंबर। यहाँ पर फिफ्थ राउंड में इनका फाइनल होता है और फाइनल में 17 विन, यहाँ पर फिफ्थ नंबर में 17 विन होगी है। ये ध्यान रखिए बच्चों कि आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता ही है एवरी ईयर, ठीक है। बहुत केयरफुल, समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, वीडियो को दोबारा देख के रीड कर लेना, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया है। 17 विन होगी है, जो हमारी कैलकुलेशन रहेगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन हमेशा राइट साइड पे होनी है और ड्रॉ लेफ्ट साइड पे होना है, एक साथ दोनों को, जैसे आपकी आंसर शीट होती है, एक साइड पे कैलकुलेशन और एक साइड पे आप फिक्चर बनाएंगे आमने सामने के पेज पर। यदि आपका वर्क रुक जाता है तो उस पर कुछ और खाली पेज छोड़ दीजिए या फिर नेक्स्ट पेज पे उसको कर लेना, बहुत ईजी हो जाता है, आगे आपके बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बेटा आप दोबारा रीड कर लेना, वीडियो देख लेना, और समझ में नहीं आए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।